दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं भारत के कैसे सुपरस्टार जो न सिर्फ खेल में बल्कि उनका जो जिंदा दिली है वो आम लोगों को भी काफ़ी पसंद आता है। वो अपने बेहतर व्यवहार और बेहतर विचार की वजह से जाने जाते हैं। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो दोस्तों का घर, सभी जगह उनकी चर्चाएँ उनकी शालीनता के लिए की जाती है। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। मैं कहानी प्रारंभ करूं, इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का वो सितारा है जो सदैव आसमान की ऊंचाइयों पर चमकते रहेंगे। पर आज चर्चा करते हैं महेंद्र सिंह धोनी का परिवार का, परिवार में कौन है और महेंद्र सिंह धोनी कितने भाई हैं। महेंद्र सिंह धोनी कुल तीन भाई बहन हैं, एक बहन है और एक बड़ा भाई है। बहन की शादी हो चुकी है, वो एक स्कूल में इंग्लिश शिक्षिका के तौर पर कार्य करती हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह धोनी, जो धोनी से लगभग 10 साल बड़े हैं और वो रांची में ही रहते हैं। उसके बाद सबसे छोटे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम का कैप्टन रहे हैं। उनके समय में इंडिया टीम काफ़ी मैच जीता है और कई बेहतर टूर्नामेंट जीता है और कई पुरस्कार भी अर्जित किया है, कई कप जीते हैं। नरेंद्र सिंह धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी का बड़े भाई हैं, वो एक राजनेता हैं। 2013 में समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए। वह पहले भाजपा में थे, अब नरेंद्र सिंह धोनी समाजवादी पार्टी में है। नरेंद्र सिंह धोनी की शादी 21 नवंबर 2007 को हुई। नरेंद्र सिंह धोनी को एक बेटा और एक बेटी है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो रांची में ही रहते हैं और यदा कदा उत्तराखंड के पैतृक गांव में भी जाते रहते हैं। एक मशहूर खिलाड़ी के भाई होने के बावजूद भी वो एक आम व्यक्ति की तरह जिंदगी जीते हैं और उनका कोई खास व्यवसाय या उनका क्या नेटवर्थ है इसकी पूरी जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन फिलहाल वो शांति से और सुकून के साथ जिंदगी जीते हैं। नरेंद्र सिंह धोनी को आखिर लोग सवाल करते हैं कि उनको महेंद्र सिंह धोनी के फिल्म में आखिर क्यों नहीं दिया गया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि वह अपने छोटे भाई के साथ बहुत अच्छे संबंध है। वह भी धोनी की तरह स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, पर माही पर बनी फिल्म में उनका कैरेक्टर ना होना, उन्होंने कहा कि MS धोनी के जीवन पर उनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, इसलिए फिल्म में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब धोनी 10 साल के थे, 10 साल की उम्र में जब उन्होंने बल्ला थामा था तो उनके साथ नहीं रहते थे। उस समय वो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। और आपको ये बता दें कि नरेंद्र सिंह धोनी भले आज कोई बड़ा जॉब नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और परिवार के साथ रहते थे साथ में। फिलहाल वो अब परिवार से अलग रह रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें अपने भाई से यानी महेंद्र सिंह धोनी से किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा भाई है, हमारी शुभकामनाएँ सदा अपने भाई के साथ है और हम दोनों भाई के बीच में काफ़ी बेहतर संबंध है और जब भी हम लोग दोनों भाई मिलते हैं तो काफ़ी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं, साथ रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का जो शेड्यूल है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, वो काफ़ी बिजी है, तो हमेशा उनसे चलना संभव नहीं है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना संभव नहीं है। और कोई भी क्रिकेटर का भाई उसके साथ नहीं चला है तो मैं कैसे चल सकता हूँ। वो अपने काम में बिजी हैं, हम अपने काम में बिजी हैं। हम अपने माँ बाप का सेवा करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं और ये रांची में ही रहते हैं। मैच के बारे में उन्होंने कहा कि जब भी मेरा भाई मैच जीता है या शतक लगाता है तो हमें आम दर्शकों से ज़्यादा खुशी होती है और हमें अपने भाई पर सदैव गर्व रहता है और गर्व मैं करता हूँ। उम्र में अधिक अंतर होने की वजह से भी वो हमारा बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और लिहाज करते हैं और इसलिए हमारे पास ज़्यादा वो नहीं रहते हैं। कारण कि हम लोग बचपन से जब हम
महेंद्र सिंह धोनी घर में रहते थे तो हम पढ़ाई के लिए बाहर रहते थे, जिसके वजह से हम दोनों के बीच में आपसी संवाद काफ़ी कम रहा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो हमारा छोटा भाई है वो हमारा लिहाज करता है, इससे ज़्यादा वार्तालाप नहीं होती है। लेकिन जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम लोग के बीच में संबंध जो है वो काफ़ी मधुर है और हम एक दूसरे का सम्मान बहुत करते हैं। तो इन्हीं तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हम आपके लिए एक से एक नई जानकारी लेकर आएंगे। और ये भी बता दें कि अभी महेंद्र सिंह धोनी का जो भाई है वो रांची में ही रह कर के अपना कारोबार चलाते हैं और वो समाजवादी पार्टी के काफ़ी अच्छे लीडर हैं, पब्लिक के बीच में उनका काफ़ी अच्छा पकड़ है, काफ़ी अच्छा जान पहचान है और कई जगहों पर वो सेलिब्रिटी का भी काम करते हैं। कई जगह मैच कहीं चलता है तो ऐसे जगह जा कर के वो मैच का उद्घाटन भी करते हैं और जहाँ ज़रूरत होता है समाज में, जहाँ ज़रूरत होता है मोहल्ले में, तो इनको ले जा कर के लोग अपना सभा का, अपना घर का, अपना महफिल का रुतबा बढ़ाते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं और इसी तरह का रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन आप दबाइएगा तो आपको एक से एक नई वीडियो की जानकारी आपके पास पहुँचेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अनुमति देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।